एक पार्ट सॉल्व करा देता हूँ तेरे, और सारे हो जाएंगे आंसर। तो मान ले मतलब एक नहीं होगा बस, और सब हो जाएंगे इससे। मेरे को इसका आंसर निकालना है, ठीक है, मैं इसकी जीरोस निकालना चाहता हूँ। तो इसको किसी भी एक क्वाड्रेटिक बना ले, एक्स में क्वाड्रेटिक मान ले या वाई में क्वाड्रेटिक मान ले, चल एक्स में मान लो इसको क्वाड्रेटिक। सर तो ए की वैल्यू वन हो जाएगी, बी की वैल्यू वाई के इक्वल हो जाएगी, सी की वैल्यू वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। देखता जा मेरे साथ। एक्स को मैं लिख रहा हूं माइनस बी यानी कि माइनस वाई प्लस माइनस रूट डी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बनेगा अपॉन टू ए, करेक्ट है क्या? यस सर। एक्स की वैल्यू देख जरा क्या बनेगी, माइनस वाई प्लस माइनस, दोनों से वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो वाई आ जाएगा, और या फिर ऐसे देख ले माइनस के थ्री वाई स्क्वायर बचे गए तो वाई तो बाहर आ गया। माइनस के थ्री को रूट ऑफ माइनस थ्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ सर। एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस वाई, अच्छा वाई कॉमन ले ले जरा यहां से देख। हाँ सर समझ गया सर, आपको हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल, ऐसे ही माइनस एक्स वाई होगा तो भी निकल जाएगा सर। तो ऐसे लिखेंगे ना, एक्स माइनस ओमेगा वाई इनटू एक्स माइनस ओमेगा वाई स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, हाँ यस सर यस सर, ओमेगा वाई स्क्वायर नहीं ओमेगा स्क्वायर, यस सर। और देख अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी होती तो एक फैक्टर तो हमें पता ही होता है। मम्मी 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 तो ठीक है दिव्यांशु, बट म्यूट कर लेते फिर मेरा नहीं है। अच्छा 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 ओके, मुझे लगा थी ओके। हाँ जी, तो ये देखो ये कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्यों बोल? यस सर। और ये भी निकल जाएगा क्योंकि हम ये भी निकाल लेंगे, अगर हम प्लस का निकाल लिए तो माइनस का तो हमें सीधा ही निकाल लेना चाहिए। वैसे यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन में सिखाया था मैंने तुझे, कि वहां पे प्लस माइनस अगर चेंज कर देते तो रूट्स में सिर्फ नेगेटिव टाइम्स का फर्क हो जा रहा था। यस सर। तो अगर यहाँ पे रूट तेरा सपोज सपोज यहाँ पे तेरा एक्स माइनस, हाँ एग्जैक्टली, आप निकाल सकते हैं ना सारे। और सर लास्ट वाला कैसे निकलेगा x क्यूब? सर वो तो जीरो नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं होती वो, a क्यूब प्लस b क्यूब वो तब होती है जब x प्लस y प्लस z जीरो होता है। अच्छा हाँ यस। तो देखिए इसको सबसे पहली बात तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बोल यस सर। और अब इसके हमारे पास ऑलरेडी, अब हमें ये फैक्टर निकालना है बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, है ना? और इसको निकालने के लिए अब इसको इसमें तेरे को दिमाग लगाना है, पहले तू ट्राई करके आ तब मैं तेरे को बताऊंगा। और ये बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है खुद में, तो थोड़ा हिंट दे दो। अच्छा तो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है। यस सर। ठीक है तो ये देख, ऐसे देख कि मैं माइनस के एक्स वाई के साथ ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, या प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई लिख सकता हूँ इसको। आई बात समझ? नहीं सर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? अच्छा सर माइनस वन है, ठीक है सर। हाँ अब बस ये हिंट काफी है वैसे तो, देख अब तो इससे दिमाग लगी है। कुछ हमें इसे ब्रेक करके लिखना होगा, और ब्रेक करके इस तरीके से लिखना होगा कि हम एक वैल्यू के साथ ओमेगा एक वैल्यू के साथ ओमेगा स्क्वायर भी लेंगे तो भी हमारा आंसर बन जाए। चल मैं तेरे को ऐसे हिंट देता हूँ, जैसे इसका एक्सप्रेशन तो थोड़ा टफ ही होगा तेरे लिए निकालना, बट मैं तेरे को ऐसे हिंट देता हूँ कि इसका आंसर है क्या, ये मैं तेरे को आंसर देता हूँ। आंसर थोड़ी बताया था मैंने तेरे को उस दिन, क्यों
बताया था कि मैंने तेरे को आंसर? नहीं सर। चल तो इसके दो एक्सप्रेशन है, एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैंने ये बात बताई है अभी तक? ये शायद हमारी अभी तक यूज ही नहीं हुई होगी कहीं। नहीं सर ये नहीं बताया। 9th क्लास में बताते हैं वैसे हमेशा, कोई बात नहीं। तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले, इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर ले। 2 से डिवाइड जो करना है उसे तो 1/2 की तरह बाहर रख, और जो अंदर 2 और जो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे। तो देख मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, और इस x स्क्वायर को मतलब 2x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख रहा हूं। देखता जा जरा, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। सर ये तो बताइए, तो क्वेश्चन भी है 9th में वो अब तेरे को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों बन रहा है। इसका जो आंसर है ना बच्चे वो ये है, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। जैसे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर मिल जाएगा, फिर को अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन का भी आंसर मिल जाएगा। आप दिमाग लग गया, हिंट दे रहे हिंट क्या? तेरे को मैंने आंसर नहीं बताया, आप सोचिए कि इसको कैसे ब्रेक करना चाहिए था मेरे को। ठीक है, और मुस्कान जब नोट हो जाए एक बार मेरे को बता दो। ओके सर। उर्वशी तुम भी नोट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये चीज फैक्टराइजेशन है कुछ एक्सप्रेशंस का यूजिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये सच कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, बट कहीं कहीं यूज हो भी सकते हैं, जहां पे आप सिंप्लीफाई करने के लिए आपको काम आ सकते हैं। सर सर ये x प्लस वाई प्लस जेड कहां गया? वो तो है ही, ये तो मैंने इसका आंसर बताया ना सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। इसके तीन ही फैक्टर बनेंगे भाई, क्योंकि एक बनेगा x plus y plus z, दूसरा बनेगा x plus y omega plus z omega square, and third will be x plus y omega square plus z omega। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन डाउट पूछ ले। सर मुझे एक आइडिया आ रहा है, मतलब कैसे हो सकता है ये? हाँ नहीं आइडिया आज मुझको था, आइडिया मैं तुझसे पूछूंगा आज तो तुम्हारी क्लास में, बस ये टॉपिक सारे खत्म हो जाए हमारे। अच्छा सभी लोगों ने वेक्टर्स पढ़ लिया ना सर?
बहुत बेसिक सर, शुरू ही किया था। बस बस बेसिक ही चाहिए, मतलब कुछ को तो मैंने ही पढ़ाया और सब लोगों को, तो दिव्यांशु, अक्षत, कुमार, आयुष, सुहानी, आप तो चारों लोग मेरी क्लास में थे उस दिन, मैंने ट्रायंगल रूल समझाया था। यस यस सर। ओके, आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा पढ़ना है, तो वो भी समझना है और कुछ क्वेश्चंस करने हैं और साथ साथ nth roots of unity की बात शुरू करते हैं। So can I rub this, Rishik? या कोई भी नोट कर रहा हूँ? Yes sir। बता दो अगर किसी ने भी नहीं किया है तो हैंड रेज करते हुए आप बता सकते हैं मेरे को, otherwise I will rub this। और वैसे ये उन एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं जो हमने उस दिन क्लास में नहीं देखी। तो आज सबसे पहली चीज तो हम शुरू करते हैं nth roots of unity से। एंड nth roots of unity का मतलब है कि हम निकालना चाहते हैं 1 की पावर 1/n के कितने आंसर, कितने आंसर होने चाहिए, पहली चीज तो। सर सर मैं बता दूं? बिल्कुल बता दे सर। 0 to n-1 n आंसर्स होने चाहिए सर। हाँ यस सर। अच्छा जितने भी लोग नए हैं वो सुनो मेरी बात, क्यों n आंसर्स होने चाहिए। सपोज चलो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी तो बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट किया था, ये तो z में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसके बहुत सारे रूट कॉम्प्लेक्स भी आएंगे, इसलिए मैंने z लिख दिया। पर चलो मैं इसे x लिख देता हूँ, दोनों साइड पावर n कर देता हूं, तो x की पावर n = 1 बनेगा कि नहीं? इसका मतलब इक्वेशन x की पावर n - 1 = 0 बनेगा कि नहीं? अक्षत कितनी डिग्री है इस इक्वेशन की? सर n। अगर n डिग्री है तो कितने रूट्स होने चाहिए? सर n। n रूट्स होने चाहिए। अब उस कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और कुछ रियल भी हो सकते हैं, राइट? तो x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन बनेगी, इसलिए इसके n आंसर्स होंगे। इसीलिए डी मोइवर्स थ्योरम में आपको सेकंड पार्ट में ये बताया गया था, जब पावर फ्रैक्शन में होगी तो उसके बहुत सारे आंसर्स होंगे। वहां पे आपको ये चीज मैंने बताया था कि मैं आगे जब चलूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा क्यों इसके बहुत सारे आंसर्स होंगे। यहां से आप समझ सकते हैं क्यों बहुत सारे आंसर होंगे जब पावर फ्रैक्शन में होगी। जब जब पावर फ्रैक्शन में होगी तो वो एक हायर डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही होगी और वो डिग्री इक्वल्स टू होगी जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा। तो यानी कि जो भी डिनोमिनेटर होगा जब जब पावर फ्रैक्शन में निकालनी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर बन सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं किसी भी रियल नंबर के भी आंसर बन सकते हैं। ओके, तो x टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 1 की पावर 1/n इसको मैं सॉल्व करना चाहता था तो इसके n आंसर्स आने चाहिए, यहाँ पे यही एक्सप्लेन करा गया। अब वो n आंसर्स निकाले कैसे जाएंगे जरा इस बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि डी मोइवर्स थ्योरम का सेकंड जो पार्ट था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो हमें सबसे पहले तो ये चीज पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए, 1 को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मैं डायरेक्टली इस पे वो मेथड अप्लाई कर सकता हूं, कैसे करूंगा वो अभी मेरे साथ समझिए। तो 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए इसका मॉडुलस तो 1 ही है, 1 का मॉडुलस तो 1 ही होगा और 1 है एक रियल नंबर, वन एक रियल नंबर तो इसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, राइट? तो आई कैन राइट इट एज वन की जगह मैं लिख सकता हूं cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर तब भी 1 ही आएगा। अच्छा इससे पहले प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो आपको लिखवाई गई थी, जो सबसे पहली बार आर्ग्यूमेंट पढ़ाया गया था, तो वहां पे बताया गया था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा थीटा और जनरल आर्ग्यूमेंट होगा 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा
यानी कि आप इसमें 2 पाई के मल्टीपल्स को ऐड कर सकते हैं, जितनी भी बार चाहें 360 को ऐड कर सकते हैं, जितनी भी बार चाहें 360 को माइनस कर सकते हैं। एंगल की वैल्यू वैल्यू तो बदलती रहेगी, बट जहां भी एंगल का आप यूज करोगे वहां पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पावर फ्रैक्शन में दी गई है और वो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की हेल्प से नहीं निकलेगी, वो जनरल आर्ग्यूमेंट की हेल्प से निकलेगी, क्योंकि हम सारे के सारे आंसर्स निकालना चाहते हैं, हम जनरल आंसर्स निकालना चाहते हैं, इसलिए हमें जनरल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और जनरल आर्ग्यूमेंट यूज करने के लिए आप अपने एंगल में 2n पाई ऐड कर देते हैं, आप ये करते हैं 2n पाई या 2k पाई कुछ भी कर सकते हैं, तो 2 पाई का मल्टीपल है, एन यहाँ पे मल्टीपल रिप्रेजेंट कर रहा है बस, क्योंकि मैं पावर ऑलरेडी यार n ले चुका हूं तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू cos 0 प्लस 2k पाई, मैं इसको इसकी जनरल आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूं, 0 के साथ 2k पाई ऐड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली i sin 0 प्लस 2k पाई की होल पावर 1 अपॉन n, तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूं cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई टू द होल पावर 1 अपॉन n। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि सर हम इसके सारे आंसर्स किस तरीके से निकालेंगे, तो आप पावर को ले जाएंगे अंदर और k की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट पुट करते रहेंगे, तो x इज इक्वल्स टू cos 2k पाई। अच्छा बाय द वे, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म सॉरी आइलर फॉर्म में करूंगा तो आइलरियन फॉर्म में इसका आंसर यही तो बनेगा, r r a 1 e की पावर i 2k पाई की होल पावर 1 अपॉन n, कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ ले। एन को मैं अंदर लेके आ गया राइट, और एन को अंदर लेके आने के बाद जो हमारा आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। वैसे ही अगर दूसरे वैल्यू में मैं एन को अंदर लेके आता हूं तो वहां से भी आ सकता है, एक सेकेंड जस्ट वन डिलीवरी वाला। हाँ जी, तो ये बन जाएगा cos 2k पाई अपॉन n, 1 अपॉन n को मैं अंदर लेके आ गया, बट इसका सिर्फ एक ही आंसर नहीं होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके n आंसर्स होंगे, और वो n आंसर्स कैसे निकाले जाएंगे उसके लिए आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको k की वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी। k की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, फॉर k इज इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1, आप ये वैल्यूज के की कुछ भी पुट कर सकते हैं, जब 0 पुट करेंगे एक आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे एक और आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे एक और आंसर आएगा, इसी तरीके से वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आंसर्स आते जाएंगे, देख लो टोटल n आंसर्स आएंगे, क्योंकि k की आप टोटल n वैल्यूज पुट कर रहे हैं भाई, 1 से लेके n-1 तक n-1 वैल्यूज हो गई और एक है 0, तो टोटल n वैल्यूज हैं, आपको n आंसर्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। अगर आप क्यूब रूट ऑफ इनटे निकालना चाहते हैं यहां से, बहुत इजीली निकाल सकते हैं भाई, दिखा देता हूं आ जाओ, इस मेथड से भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जरा निकालना सीख लो। और इसी चीज को बाय द वे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जरा थोड़ा सा पहले इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कर लेते हैं और तब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये दोनों मैं आपको निकालना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों में याद होने चाहिए, ये हमारे काम आ सकते हैं कहीं पे भी। तो हमने सीखा क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, और एक्स को या जेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आप देखो मैं यहां पे आ गया, मैं आइलेरियन फॉर्म से आपको इसको दिखाना चाहता हूं क्योंकि ज्यादा इजी पड़ेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पाई अपॉन एन, क्योंकि एन आपको गिवन होगा, टू द होल पावर के, के आपको बार बार पुट करना पड़ेगा, एन आपको गिवन होगा, जैसे कि अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना चाहते हैं तो एन की वैल्यू होगी 3, आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना चाहते हैं तो एन की वैल्यू होगी 4,
और जब n की वैल्यू होगी 4 तो k की वैल्यू रखी जा सकती है 0, 1, 2, 3। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, right? तो मैं इस चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं दैट x इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर k। अल्फा है कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू पूरी की पूरी कांस्टेंट रहेगी, n की वैल्यू पता चलते ही हमें ये पता चल जाएगा, और n की वैल्यू हमें हर केस में अलग अलग पता होगी, हमसे बताया जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं या सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं या वॉट एवर जिसकी भी बात कर रहे हैं। अल्फा टू द पावर के, तो इसके जो रूट्स होंगे, और आप के की वैल्यू पहले ही देख चुके हैं कि के की वैल्यू क्या क्या हम रख सकते हैं, जीरो से लेके आप एन माइनस वन तक इसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, राइट? तो जो एक्स के रूट्स हो जाएंगे वो देखो क्या क्या होंगे, जब के की वैल्यू जीरो रखेंगे तो बनेगा वन, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, के की वैल्यू वन रखेंगे तो ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा फिर अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर एन माइनस वन। आप पूछेंगे सर ये अल्फा क्या है, अल्फा यही है भैया, ये e टू दी पावर आई टू पाई अपॉन एन, ये बोला जाएगा आर नोन एज nth रूट्स ऑफ यूनिट। यस सर, मैं कह रहा था सर इसमें हमारे पास n का क्या रखेंगे, k को k की वैल्यू n माइनस वन तक जानी है, तो अगर n 3 है तो k की वैल्यू कहां तक होनी चाहिए, तू खुद बता मेरे को। अगर n 3 है तो k की वैल्यू 0 1 2 तक जा सकती है। यस सर, क्यों नहीं यही बात समझ? नहीं सर, k की फिक्स केस भी वैल्यू सर हम जनरल निकालते हैं तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल हो सकता है, बट जब हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे होंगे तो k को n माइनस वन तक पुट करना है ना, जीरो से लेके n माइनस वन, एनी रूट्स तो हो सकते हैं। तो हमने जो स्टार्ट करा है वो जीरो से करा, और जीरो से इसलिए करा क्योंकि एक रूट वन तो हमेशा होगा ही होगा, और अब n रूट्स हो सकते हैं उसके, तो वैल्यू वन से लेके n माइनस वन तक जा सकती है। क्यों सर, लेकिन जनरल सॉल्यूशन तो हम कितना भी निकाल सकते हैं। जनरल से तो बिल्कुल, किस जनरल में तो कुछ भी रख सकते हैं हम, राइट? यस सर, तो यहाँ पे सर हम फिक्स क्यों कर दे रहे हैं? इसलिए फिक्स कर दे रहे हैं क्योंकि इसके टोटल n रूट्स होने हैं ऋषिक। यस सर, अल्फा की k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि एक रूट 1 तो हर बार ही होगा nth रूट ऑफ यूनिटी में। भाई वन की कोई भी पावर लो, वन तो आंसर उसका आएगा ही, क्यूब रूट ले रहे हैं तब भी वन आएगा, फोर्थ रूट ले रहे हैं तब भी वन आएगा। यस सर, ठीक है। के, अब तूने के की वैल्यू जीरो से रखना स्टार्ट करा, के की वैल्यू जीरो रखी तो आंसर वन आया। यस सर, के की वैल्यू तू आगे बढ़ाता गया, कहां तक लेके जा सकता है खुद से बता। एन वैल्यूज टोटल आंसर हो सकते हैं इसके, एन से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? तो k को भी तो लिमिट करना पड़ेगा, k भी तो उसी हिसाब से पुट करा जाएगा कि हमारे पास एनी आंसर्स आए। सर लेकिन सर n आंसर्स के लिए तो मैं जीरो पुट कर दूं फिर सर कोई और वैल्यू, और सर रैंडम कोई भी तीन और वैल्यू कर दूं तो अगर मैं रैंडम कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो उससे भी यही आंसर्स रिपीट होंगे जो तूने अभी निकाले हैं 1 से लेके n माइनस 1 तक, जो तूने अभी आंसर्स निकाले हैं। यानी कि अगर तूने k की वैल्यू n पुट करी ना तो आंसर फिर से जीरो वाला आ जाएगा, फिर से रूट्स रिपीट करने लगेंगे। सर जैसे हम रूट निकालेंगे तो सर अगर मैंने 4 पुट कर दी तो हाँ k की वैल्यू 4 तो पुट करेंगे उस केस में। नहीं सर 0 1 2 है ना, के 0 1 2 3 4 ये पांच वैल्यू तो पुट करनी है। एक सेकंड दे बस,
ऋषिक यस सर, अगर के की वैल्यू में जीरो पुट करूंगा एक आंसर 0 1 2 3 4 पुट करके कुछ आंसर्स आ जाएंगे? यस सर, लेकिन अभी आपने बोला n माइनस 1 तो होगा तो 0 1 2 ये होगा। नहीं तो किस केस में n को क्या ले रहा है तू? 3 तो n को 3 ले रहा है तो 0 1 2 पुट कर सकते हैं। यस सर, लेकिन अगर मैं इसमें 4 या 5 पुट कर दूं तो अगर तू 4 पुट करेगा तो फिर से वही वैल्यू बन जाएगी 1 वाली, 3 पुट करेगा तो फिर से वैल्यू वही बन जाएगी 0 वाली। पुट तो कुछ भी कर दे पर तेरे को अलग अलग आंसर्स नहीं मिलेंगे, उनसे आंसर्स फिर से रिपीट होने लगेंगे। सर एक बार दिखा दोगे? दिखा देंगे बिल्कुल, अभी nth रूट ऑफ, अभी जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे बिल्कुल दिखाएंगे। रुक जा, आ रहे हैं बस। जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो मैं तेरे को दिखाऊंगा कि देख अगर हम इसके बाद की वैल्यू, वैल्यूज तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे तू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट वैल्यूज अगर कुछ इसके बाद पुट करना शुरू करेंगे तो वो वही आंसर दे रहे होंगे जो ये आंसर दे रहे होंगे, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू n, दोनों सेम आंसर देंगे। क्यों देंगे तुझे ये भी बता देता हूं, देख ले, बताऊं ऐसे समझ इस बात को कि k की वैल्यू जब तू 0 रखेगा तो एंगल 0 बन जाएगा, राइट? यस सर। और जब k की वैल्यू तू n रखेगा तो एंगल 2 पाई बन जाएगा। ध्यान से देख, यहां से देख, यहां से समझ आ जाएगा बिल्कुल एक बार भाई, या फिर यहां से देख, यहां से अगर तूने k को 0 रखा तो आंसर 0 आया एंगल का, फिर तूने k को n रखा तो आंसर 2 पाई आया कि नहीं आया? यस सर आया। और 0 और 2 पाई के सेम एंगल नहीं होते? वैल्यू तो तेरे को सेम ही प्रोड्यूस करेगा वो। हां सर। और वैसे ही जब तू n + 1 रखेगा ना इसको तो वो बन जाएगा फिर से 2 पाई + 2 पाई अपॉन n, यानी कि k की वैल्यू 1। सर तो ये तो हम प्रिंसिपल वाली वैल्यूज निकाल रहे हैं सारी। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी देख क्यों सर, तो चलो हो रही है ऐसे तो सर वो वैल्यूज भी रिपीट होती हैं, हम 2n पाई प्लस थीटा करते हैं। हां तो सर तब भी रिपीट करती हैं वैल्यूज तो? हां बिल्कुल, तो रिपीट तो एक टाइम पे करने ही लग जाएंगे वैल्यूज, आंसर तो एनी आने, आंसर ऐसे थोड़े ना इनफाइनाइट हो जाएंगे इसके रेशियो, आंसर्स तो एनी होने। उसके बाद तू वैल्यू एंगल को कुछ भी पुट कर सकता है भाई, अब एंगल तो cos 30 cos 390 कुछ भी पुट कर सकता है बट आंसर्स तो सेम ही आ रहा है हर बार। यस सर, और यही तो जनरल आर्गुमेंट का प्रिंसिपल है, मतलब जनरल आर्गुमेंट का जो फिनोमेना है वो यही तो है कि जनरल आर्गुमेंट हमें ये बताता है कि देखो भैया एंगल की वैल्यूज तो बार बार रिपीट होने लगेंगी, आपको दिखेगा ऐसा कि एंगल अलग अलग चेंज हो रहा है बट एक्चुअल आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। इसीलिए तो उसने बोला कि भैया थीटा बोलो या 2n पाई प्लस थीटा बोलो, एक ही बात है। अच्छा हाँ ठीक है सर, समझ गया। तो एंगल तो एक टाइम पर रिपीट होना ही है, वो भी होना है, और इसीलिए उस रिपीटेशन से बचाने के लिए तेरे को ये बताया मैंने कि k की वैल्यू तो 0 से लेकर n माइनस 1 तक पुट कर, इसके आगे भी तो कर सकता है कोई दिक्कत, पर जब पुट करेगा तो फिर से वही आंसर आने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए 0 से लेकर n माइनस 1 तक ही पुट कर बस। आ जा चल, nth रूट्स ऑफ यूनिटी अभी हमने सीख लिया, अब हम निकालते हैं जरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए आप इस चीज को याद रख सकते हैं या इस चीज को याद रख सकते हैं, अल्फा को याद रखो और इसको याद रखो, बस इससे अपना पूरा काम हो जाएगा। कैन आई रब दिस गाइस? कोई बच्चा है? सुहानी तुम चले गए थे बीच में, नोट कर लिया? सर वन सेकेंड। चलो तब तक ट्राई करो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालो यहां से एक बार, आपको n की वैल्यू पता है, आपको ये भी पता है k को हम क्या क्या रख सकते हैं, और सॉल्व करो। अच्छा आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 अभी सॉल्व करना नहीं आता, वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, ये वैल्यूज मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट होती है, मतलब कैसे कैलकुलेट होती है ये नहीं है, मैं अभी आपको वैल्यूज बता दूंगा कि इनका आंसर ये होता है, तो आप चेक करके देख सकते हैं कि आप यहां से n क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर पता है, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, बोले तो -1 + i रूट 3 / 2, ओके, एंड एक होता है ओमेगा स्क्वायर, बोले तो -1 - i रूट 3 / 2। चलो जी, तो हमें पता चल चुका है कि भैया nth रूट ऑफ यूनिटी ये होते हैं,
और अल्फा क्या होता है यहाँ पे, e की पावर i 2 पाई अपॉन x। हमने बोला चलो जरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल के दिखाओ आप, आपने एक मेथड से तो हमें सिखा ही दिया, बट क्या हम इससे भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं? मैंने कहा यार इससे कुछ भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी, सेवन्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो निकालना चाहते हो सब निकाल लेंगे। हाँ, हमें फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स रूट ऑफ यूनिटी, सेवन्थ रूट ऑफ यूनिटी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप उन एंगल्स को नहीं निकाल पाओगे, उन एंगल्स को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो एंगल बनेगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, इसलिए बोल रहे हैं कि वो कर लो कैलकुलेट। चलिए जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हमने बोला आंसर होना चाहिए एक्स की वैल्यू वन, अल्फा अल्फा स्क्वायर, भैया एन की वैल्यू थ्री है, एन की वैल्यू थ्री है तो एन की वैल्यू थ्री यहाँ पे पुट कर दो, थ्री माइनस वन टू बना, तो आखिरी वैल्यू अल्फा स्क्वायर होगी, तो वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, करेक्ट है बात, बोलते चले जाओ जरा मेरे साथ। yes, और अल्फा क्या होगा, e टू दी पावर i 2 पाई अपॉन 3, बोलो सर। जीरो नहीं होना चाहिए, वन लिखा है आपने। क्या बोल रहे हैं, कुछ गलत समझ गया शायद, एन की वैल्यू थ्री ना, अल्फा में पुट करना पड़ेगा हमें, ये अल्फा एन थ्री पुट कर दिया तो अल्फा की वैल्यू ई टू दी बार आई टू पाई अपॉन थ्री तो बना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करी, तो मैंने बोला भैया एक तो आंसर होगा वन, एक आंसर होगा खुद में अल्फा, तो अल्फा बन जाएगा ई की पावर आई टू पाई अपॉन थ्री, और एक आंसर होगा इसका स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फोर पाई बाई थ्री। तो एक आंसर तो बना वन, e की पावर i 2 पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3। अब आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता, मैं इसकी वैल्यूज आपको बता देता हूँ। और e की पावर i 4 बाई 4 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ cos 4 पाई बाई 3 प्लस i sin 4 पाई बाई 3। जिसको कैलकुलेट करना आता है वो तो कर सकते हैं, बोलो ऋषभ। ओके, तो cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 डिग्री है ये। यस सर। माइनस कॉस 60 डिग्री होती है इसकी वैल्यू। यस सर, तो माइनस 1 बाय 2 होता है। माइनस 1 बाय 2 होता है, और इसकी वैल्यू साइन 2 पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 प्लस के रूट 3 बाय 2। ये सीख जाएंगे गाइस, अभी नहीं आता हमें, कोई बात नहीं, देख ले क्या वैल्यू थी ओमेगा की, ये वैल्यू नहीं थी क्या? यस सर, ये कॉस 4 पाई बाय 3। अच्छा चल, अब तेरे को ये भी दिखाता हूं कि देख, अल्फा क्यूब अगर लिखूंगा तो ओमेगा क्यूब भी बनेगा, फिर से बना जाएगा आंसर, ये भी देख ले आज। इसके साथ साथ ही यहीं पे ही मैं दिखा देता हूँ तेरे को, अगर अल्फा क्यूब बनेगा, अल्फा की पावर 4 बनेगा, अल्फा की पावर 5 बनेगा, तो फिर से देख आंसर्स वही आ जाएंगे। ओके, कॉस 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसकी वैल्यू माइनस के कॉस पाई बाई 3 बनेगी, ये फिर से माइनस के हाफ आएगा, और इसकी वैल्यू भी इस बार नेगेटिव बनेगी, और ये भी माइनस के साइन पाई बाई 3 आएगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस के आई रूट 3 बाई 2। सबसे पहली बात तो जो आपने निकाले थे थोड़ी देर पहले, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही है इसके रूट्स की, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दूसरी बात, अब आप अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4 अल्फा की पावर 5 निकाल के देख लो, तो अगर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4 अल्फा की पावर 5 में कैलकुलेट करता हूँ, तो अल्फा क्यूब तो बनेगा भैया ई की पावर आई 2 पाई अपॉन 3 का होल क्यूब, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, तो ई की पावर आई 2 पाई। अल्फा की पावर 4 बनेगा e की पावर i 8 पाई अपॉन 3, अल्फा की पावर 5 बनेगा e की पावर i, सॉरी e की पावर i 10 पाई बाय 3, e की पावर i 2 पाई cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई। sin 2 पाई बोले तो 0, cos 2 पाई बोले तो 1, ये बनेगा cos 8 पाई बाय 3 प्लस i sin 8 पाई बाई 3। वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर से आएगा माइनस के 1 बाई 2, और ये बनेगा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, यानी के प्लस के i टाइम्स रूट 3 बाई 2। देख ले वैल्यू वही नहीं बनी क्या ऋषि, ओमेगा वाली। यस सर। वैसे ही जब हम अल्फा की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो फिर से कैलकुलेट करने पे ये बनेगा cos 10 पाई बाई 3 प्लस के i sin 10 पाई बाई 3। ऐसे ही देख सकता है कि ये पहले रोटेशन का एंगल था वही 4 पाई बाई 3, और ये 6 पाई बाई 3 ऐड करा इसमें हमने, यानी कि 2 पाई, ये सेकंड रोटेशन का वही एंगल है,
वैल्यूज रिपीट नहीं करेंगी क्या? क्या बात समझ आई ऋषि की? यस सर। तो जैसे हम इसके बाद की आगे की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे तो आंसर्स फिर से रिपीट करने लगेंगे, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी यही बोलता है कि भैया आप कुछ भी लिख सकते हो एंगल, आंसर्स तो वही आएंगे एक टाइम के बाद। तो आंसर्स तो अभी भी हम एक रोटेशन के लिख रहे हैं ऋषि, क्योंकि दूसरी रोटेशन में फिर से आंसर वही आ जाएंगे। इसीलिए बोला कि के की वैल्यू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक ही रख लो बस, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको। इससे आगे अगर आप जाएंगे तो वापस से आंसर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, अब जरा एक बार फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल लेते हैं। ऐसी क्या बात है, अपन को आ गया ऐसी nth रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अगर मैं निकालता हूं तो भैया फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है n की वैल्यू 4, 1 की पावर 1 बाई 4 निकालना चाह रहा हूं मैं। तो x का जो आंसर होगा वो होगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब, वेयर अल्फा इज, इस बार जो अल्फा होगा वो होगा e की पावर i 2 पाई अपॉन 4, यानी कि e की पावर i पाई अपॉन 2। तो x की वैल्यूज क्या क्या बननी चाहिए, x की वैल्यू बननी चाहिए 1 e की पावर i पाई बाय 2, e की पावर i पाई एंड e की पावर i 3 पाई बाय 2। तो शायद मैं आपसे बता चुका हूं कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, बट मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूं कि मैं सही था। e की पावर i पाई बाय 2 इज cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाई टू। सिमिलरली ई की पावर आई पाई इज कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। सिमिलरली ई की पावर आई थ्री पाई बाई टू इज, चलो मैं इसे लिखता हूं जैसे ही तुम, कोई बच्चा है क्या ये, मैं ई की पावर आई टू पाई जो मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया था, अल्फा की पावर क्यू अल्फा की पावर 4, ये था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। किसी ने लिख बचा है कोई जिसने नहीं लिखा हो ये, रेज योर हैंड अगर किसी ने नहीं लिखा है ये, तो मैं ये रफ कर दूंगा अगर आपने लिख लिया सभी लोगों ने। ओके, यहाँ पे तो बस मैं यही शो कर रहा था कि ये वैल्यूज फिर से रिपीट करने लग जाएंगी। भैया फोर्थ वैल्यू बनेगी यहां पे कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन ऑफ 3 पाई बाय 2। तो ये वैल्यू बनेगी एक्स की वैल्यू 1 कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, बोले तो कॉस पाई बाय 2 इज 0 1 राइट आई 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 बिल्कुल। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें माइनस वन, यस सर, माइनस पाई इज माइनस वन, साइन पाई इज जीरो, तो ये बनेगा माइनस वन। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कॉस थ्री पाई बाई टू इज अगेन जीरो, साइन थ्री पाई बाई टू इज माइनस वन, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस आई। मैंने आपसे यही बोला था पहले भी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो पहली आई की चार पावर्स होती हैं, दिस इज आई की पावर 1, दिस इज आई स्क्वायर, दिस इज आई क्यूब एंड दिस इज आई टू द पावर 4। इसको आप बाय द वे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसका मेथड भी है कैलकुलेट करने का, कोई दिक्कत नहीं है ये तो। मैं पर मैं चाहता हूं आप nth रूट ऑफ यूनिटी को बहुत अच्छे से सीख लें, वो एक अलग पॉइंट है, पर आप इसको कैलकुलेट करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते थे, ये भी इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है सेकंड मेथड। कि भैया x की वैल्यू 1 टू द पावर 1/4 निकालना था, तो ये बन गया x की पावर 4 - 1 = 0, जिसको हम लिख सकते हैं x2 - 1 into x square plus 1 is equals to 0, x square minus 1 के आंसर होंगे x is equals to plus minus 1, इसके आंसर होंगे x square is equals to minus times 1, square हटाएंगे, under root लगाएंगे और plus minus लगाएंगे,
अंडर रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू आई होती है, प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस वन, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आई, ये चार आंसर है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को कैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन nth roots of unity का concept। अच्छा एक और बात इसी के साथ साथ, चलो पहले नोट करो, अभी हम प्रॉपर्टी स्पेस की बात करने वाले हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करने से पहले मैं आपको एक, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। Can I rub this guys? जो बच्चा है सिर्फ वो हैंड रेज करे। मिनट सर। हैंड रेज करके रख लीजिए, जिससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि कुछ लिखा है कि नहीं। ओके चलो अब जरा एक और बात करते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी हमारा प्रॉपर्टीज में आएगा, बट मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करना चाहता हूं ये बात। सपोज z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन n लिखा हुआ, मैंने कहा आप दोनों साइड मॉडुलस लो, तो ये आपने मॉडुलस ले लिया इसके दोनों साइड, यहाँ पे लिया मॉड z, यहाँ पे लिया मॉड ऑफ 1 टू द पावर 1 अपॉन n, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ 1 टू द होल पावर 1 बाय n, पावर बाहर निकाल सकता हूं, मॉड ऑफ 1 इज 1 एंड 1 की पावर 1 अपॉन n मैग्नीट्यूड वाइज तो 1 ही होगी, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, यहां पे मैं रूट्स नहीं निकालना चाह रहा, तो जितने भी आंसर इसके आएंगे उन सब का मॉडुलस 1 ही तो होगा, और यही चीज आपको मैंने वहां भी बताई थी जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ रहे थे कि मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। सर ये कैसे किया सर, समझा नहीं। एक सेकंड, ये ऐसे किया ऋषिक कि हमने z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन n लिखा, यही तो है हमारी पहली इक्वेशन जिससे हम nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं। यस सर, हमने दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, तो इधर मॉड z बना और इधर बना मॉड ऑफ 1 की पावर 1 अपॉन n, 1 अपॉन n पावर को मैं बाहर निकाल सकता हूं। यस, तो मैंने इसे लिख दिया मॉड ऑफ 1 टू द पावर 1 अपॉन n, मॉड ऑफ 1 इज 1, सिंपल। Yes, sir. और 1 की पावर 1 अपॉन n को अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूं तो वो तो वैल्यू 1 ही है। Yes, sir. मैग्नीट्यूड वाइज तो 1 ही होगा, 1 की पावर 1 अपॉन n, 1 की एनी 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। मैं इसको अभी उस रिप्रेजेंटेशन में नहीं देख रहा जो तू सोच रहा है, मैं इसको मैग्नीट्यूड सिर्फ इसका निकालना चाहता हूं इस वैल्यू का, तो अगर मैग्नीट्यूड की मैं बात करूंगा तो वो तो 1 ही आएगा सिर्फ। आंसर्स इसके रूट्स के हिसाब से इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, जब रूट में निकाल रहा हूंगा तो मैं इक्वेशन ये सॉल्व कर रहा हूंगा, बट अगर डिस्टेंस में निकाल रहा हूंगा
तो डिस्टेंस के हिसाब से तो इसका आंसर 1 ही होना चाहिए सर. कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस नहीं हो सकता इसलिए. तो कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस, हाँ कॉम्प्लेक्स डिस्टेंस भी तो डिस्टेंस ही होता है, रियल क्वांटिटी होती है. यस भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अगर हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो वो भी तो खुद में एक रियल क्वांटिटी आता है, उसका आंसर तो कॉम्प्लेक्स आ ही नहीं सकता कॉम्प्लेक्स नंबर में. मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अगर मैं मॉड्यूलस निकाल लूं, यस सर, वो ओमेगा का भी मॉड्यूलस बनाएगा, ओमेगा का भी मॉड्यूलस बनाएगा, ओमेगा स्क्वायर का भी मॉड्यूलस बनाएगा. इनफैक्ट जितने भी अनंत ऑफ यूनिटी बन सकते हैं सबका मॉड्यूलस बनाएगा, हर जगह हर बार. आई का भी देख ले मॉड्यूलस 1 ही आता है, माइनस आई का भी मॉड्यूलस 1 आता है, 1 का भी मॉड्यूलस 1 है, माइनस 1 का भी मॉड्यूलस 1 है. तो जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है उन सब का भी मॉड्यूलस 1 है. और ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो मैंने तेरे को अभी अभी बताई है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 की वजह से. तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी में अभी हमें लिखना है. जरा इसके नीचे टॉपिक लिख दो, ये काफी काम आने वाली है आपकी प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज तो देखो हर जगह की काम आ रही है. अगर हम कहीं भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व तभी होता है जब हम उसमें प्रॉपर्टीज लगाते हैं. आपसे एक चीज पूछनी थी. बिल्कुल पूछ ले. मतलब पढ़ाई से नहीं है सर, लेकिन ये सर फॉर्मूले वगैरह प्रॉपर्टीज सर ये याद रखना मुश्किल हो रहा है सर. ये याद नहीं, ये याद नहीं होती है, यही पॉइंट है. तूने अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे भाई, बाय द वे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी. जैसे यहाँ पे भी और बच्चे भी हैं, सब कहेंगे कि हमें याद नहीं होती प्रॉपर्टीज. बट द पॉइंट इज ऋषिक, ये याद करनी भी नहीं होती है, ये याद नहीं करनी होती है, हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये खुद ब खुद याद हो जाएंगी. और ये स्टेज अचीव करने में टाइम लगेगा, हाँ ये मैं तुझे बता देता हूँ अभी. बट यही स्टेज अचीव करनी है इफ यू वॉन्ट टू क्लियर जेई, कि हमें प्रॉपर्टीज को याद करने की जरूरत ना पड़े, हम इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें कि हम प्रॉपर्टीज खुद याद हो जाएंगी. तो अगर तू सपोज 30-40 क्वेश्चन प्रॉपर्टीज, सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी या जो अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे करेगा, तो तेरे को खुद ब खुद इसकी प्रॉपर्टीज याद होना स्टार्ट हो जाएंगी. तुझे क्या लगता है कि मैं प्रॉपर्टीज याद करता हूँ सारी पहले रिवाइज करता हूँ बैठ के? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस याद रहती है क्योंकि हमें पता होता है. हाँ ऑर्डर भूल सकते हैं, ये हो सकता है कि तुम्हें ऐसे याद नहीं करनी है, मतलब हमें तो ऐसे भी याद होगी क्योंकि हमें प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी है. बट कि तुम लोगों को ऐसे ऑर्डर याद नहीं करने के, भाई ये वाला था ये पहले था या ये पहले था, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं. और कॉन्सेप्ट याद तब होंगे जब तुम इन पे क्वेश्चंस लगाओगे, ऐसे नहीं याद होगे. प्रॉपर्टीज कभी याद नहीं होती है ऋषिक, ये बात याद रखियो मेरी, कभी भी चीजें याद नहीं होंगी. चीजें तुझे याद तब होंगी, याद रखने का मतलब ये है यहाँ पे कि प्रैक्टिस इतनी हो हमारी कि वो खुद ब खुद याद ही हो जाएंगी, दिमाग में सेट हो जाएंगी, क्योंकि हमने इतनी बार अप्लाई कर चुके हैं वही चीज. जैसे कि शायद पहली बार खाना खाना सिखाया गया होगा ऋषिक, तो शायद नहीं आता होगा कि कैसे खाना खाए. या सपोज लेसिस कोई टाई करना सिखाया गया था तो पहले 2-4 बार में नहीं आता था, बट अब तो आता है ना. क्या हम हर बार ऐसे थोड़ी ना सीखते हैं कि हमने कैसे करना था, अब आने लगा है क्योंकि हमने इतनी बार लेसिस ट्राई कर चुके हैं कि हमें वो चीज खुद ही दिमाग में सेट हो चुकी है. सेम प्रोसेस इसका भी होगा. और एक और बात कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां पे प्रॉपर्टीज थोड़ी ज्यादा होंगी, राइट, और कुछ ऐसे होंगे जहां पे प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा नहीं होंगी, बट चीजें होंगी बहुत सारी पढ़ने के लिए, ये फॉर श्योर है. तो मेरा मानना ये है कि आप हर टॉपिक पे 30-40 क्वेश्चन लगाओ तो आपके टोटल जो है अराउंड 30-40 क्वेश्चंस लगाने चाहिए, जिससे कि आपके टोटल क्वेश्चंस 150-200 तो मिनिमम 150 मिनिमम क्वेश्चंस होने ही चाहिए हर चैप्टर के जो आप सॉल्व कर रहे हो. और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप 150 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो इंक्लूडिंग योर ये एनसीईआरटी असाइनमेंट्स, फिर आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वो, तो आपको खुद ब खुद ये प्रॉपर्टीज याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, दैट आई कैन गारंटी. सर तो शुरू में देखते देखते प्रॉपर्टीज करे ना. बिल्कुल 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 ऋषिक, शुरुआत में कॉपी साइड में रख के बैठ, प्रॉपर्टीज को ध्यान में लगाते हुए, हर प्रॉपर्टी को दिमाग लगाते हुए तब सॉल्व कर कि क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ. शुरुआत में टाइम भी ज्यादा लगेगा इनफैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम भी कम होना शुरू हो जाएगा
जितनी प्रैक्टिस होगी यार मैथ्स का सीधा सिंपल बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपने आपको बोलते जा रहे होंगे लोग बहुत पहले से, बट मैंने आपको अभी भी एक एग्जांपल दिया है उसी चीज का कि भाई आप शू के मतलब लेसेस टाई करने का, और वो बिल्कुल यही था कि अगर आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं एंड सब्जेक्ट भी थोड़ा टफ ही होता है, उन्हें टफर नोट ही होता है मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही, तो अगर आपके बहुत सारे वेरिएशंस हैं और आपके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं तो ऑब्वियसली आपको उन सारी प्रॉपर्टीज को खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर कर पाएंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। ओके सर, अदरवाइज नहीं होगा मैथ्स, ये भी मैं बता देता हूँ, जब तक आप सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और इसका तरीका भी एक, अब आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको जो बेसिक है सबसे पहले वो खत्म करना चाहिए, यानी कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी अभी तक आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की खत्म हो जानी चाहिए थी, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी तो 3-4 क्लास के बाद ही खत्म हो जानी चाहिए थी, और अभी अगली ये चैप्टर तो हमने थोड़ा धीरे भी पढ़ाया है देखो, क्योंकि बच्चे नए आ रहे होते हैं, बट अगली बार से चैप्टर में थोड़ी स्पीड भी पकड़ी जाएगी, थोड़ा स्पीड से भी पढ़ेंगे हम, तो उसके साथ साथ हमारा ये होगा कि हर 2-3 क्लास के बाद हम पूरी एनसीईआरटी फिनिश कर चुके होंगे अपनी, राइट। और एनसीईआरटी के साथ साथ आप आरडी शर्मा ले सकते हैं, वो आपका 11th का जो 11th बोर्ड्स का या उससे थोड़ा सा ऊपर 80% ऑफ जेई मेंस तक वो आपका कवर करा देगा आरडी शर्मा अगर आप लगाएंगे तो, और उसमें क्वेश्चंस भी बेसिक से होंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएंगे, उसके बाद आप अपनी उस बुक पे जाइए जो भी आप लगाना चाहते हैं, ये प्रॉपर तरीका है एक्चुअली तैयारी करने का, कि सबसे पहले हम बेसिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद असाइनमेंट पे जाएं, असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके बाद हम जो तीसरी बुक हम कोई भी एक्स्ट्रा बुक या एक्स्ट्रा असाइनमेंट या एक्स्ट्रा पैकेज लगा रहे हैं वो उस पे जाएं, तो आप बेहतर कर पाएंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, अब एक बात ये देखिए जरा, ये कुछ टर्म्स लिखी हुई है मैंने, एक वन है, एक टू है, एक टू स्क्वायर है, एक टू क्यूब है, एक टू की पावर फोर है, एक टू की पावर फाइव है, एक टू की पावर सिक्स है, क्या आप कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं इसके बीच में? दोबारा सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न सिखाना चाहता था, इस तरीके के पैटर्न को हम जीपी बोलते हैं, जब हर बार एक ही टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है, सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे एपी में हर बार सेम टर्म ऐड हो रही होती है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं भैया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर आपसे कोई पूछे, मैं ही पूछने लगूं कल को उठ के, क्या भाई तुमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा था, बताओ जरा nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, तो तुम कैसे बताओगे? सर 1 into alpha 1 comma alpha comma alpha square comma alpha cube। एग्जैक्टली, आपको यही बताने हैं कि भैया nth रूट्स ऑफ यूनिटी ये होते हैं जी, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1, वेयर अल्फा इज e टू द पावर i 2 पाई अपॉन n। इसे याद कर लो अच्छे से एक्सप्रेशन में, ये सब चीजें याद बहुत ही रहेंगी अगर आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे, ये पक्का है। चलो, तो क्या ये एक जीपी नहीं बना रही? देखो जरा ध्यान से, हर बार अल्फा से तो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इसको, वन था फिर अल्फा बना दिया, अल्फा से मल्टीप्लाई करके फिर एक और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा स्क्वायर बन गया, फिर एक और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा क्यूब बन गया, अल्फा की पावर 4 बन गया, अल्फा की पावर 5 बन गया, तो क्या ये एक जीपी नहीं? बोलो दिव्यांशु, उर्वशी, बताओ मेरे को एक बार, जैसे ये हमारा जीपी yes, sir, है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, बस पैटर्न पहचान रहे हैं हम। पैटर्न क्या होता है जीपी का, कि आपको हर बार एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर मैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी में देखूं तो ये भी तो एक जीपी बना रहा है, और यही पहली प्रॉपर्टी है हमारा। फॉर्म क्या होता है जीपी का? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी, और जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना हर बार उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोला करते थे, उसी तरीके से जीपी में हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस की तरह ही,
बस कॉमन डिफरेंस में हम डिफरेंस निकाला करते थे, इस बार रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे 3-1 निकाला करते थे क्योंकि हर बार सेम टर्म ऐड हो रही है, इस बार सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो किसी भी एक टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को डिवाइड कर देते हैं, सॉरी किसी भी एक टर्म से उसके अगले वाले टर्म को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अगर मैं 2/1 लिखूं तो ये इसका कॉमन रेशियो है। हर बार कॉमन रेशियो आएगा किसी भी दो सक्सीडिंग टर्म्स का, पर आगे वाले टर्म को ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, पीछे वाले टर्म को डिनोमिनेटर में, तो 2² / 2 देख सकते हो, या 2³/2² देख सकते हो, हर बार ये सेम आना चाहिए, तब ये जीपी में बनता है। जैसे यहाँ पे 3-1, 5-3, 7-5 ये सब सेम आते हैं, सिमिलरली जीपी में किसी भी दो टर्म का रेशियो सेम आता है, और जो आगे वाली टर्म होगी सक्सीडिंग टर्म होगी वो न्यूमरेटर में होगी, जो प्रीसीडिंग टर्म होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, राइट। तो अगर मैं इसको बात करूं, सर अगर ये पावर में नहीं होता तो एपी होता, अगर ये हाँ नहीं, क्योंकि पहली टर्म वन है तो फिर एपी बनता ही नहीं फिर तो। हाँ नहीं बनता, ऐसा भी हो सकता है आयुष के पैटर्न ना बन रहा हो, जरूरी थोड़ा ना पैटर्न बनेगा ही बनेगा, जब पैटर्न बन रहा होगा हमें तो तब रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ पैटर्न बन रहा है इस बार, जैसे इस बार बन रहा है, क्यों nth roots of unity form a GP with a common ratio alpha, alpha से तो हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, with a common ratio alpha, और alpha की वैल्यू है a to the power i 2π/n, this was the first property। आपकी पर्सपेक्टिव अच्छा करने के लिए आपको जरूरी नहीं है सारी प्रॉपर्टीज ही काम आएंगी, सारी प्रॉपर्टीज ही याद होंगी। हेलो सुहानी, आज तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? यस सर, थोड़ा आंधी वगैरह आ रहा है तो बार-बार लाइट चली जा रही है। अच्छा राइट, सही बात है। मेरे यहां भी मेरे यहां भी यही हो रहा है, सभी के यहां पे मुझे लगता है यही हो रहा है। मैंने हॉटस्पॉट से करी है इसलिए क्लास, नहीं मेरा थैंकफुली सही चल रहा है वाईफाई तो भी, बट आंधी तो बिल्कुल आ रही है। तो भाई सेकंड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज भी होगी। सम ऑफ nth रूट्स ऑफ अ यूनिटी इज ऑलवेज जीरो, परेशान हो गया वो। सर जी ऋषभ, सर मुझे पूछना था, जैसे सर इसमें एप्टीट्यूड नहीं आता ना सर जेई में? नहीं, जैसे सर एनटीएससी है तेरा जो भी एप्टीट्यूड है? नहीं सर, मतलब जैसे एनटीएससी वगैरह में अलग सेक्शन होता है ना, सीरीज वगैरह निकालना, सीरीज यहाँ पे होगी बोल दो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैंने दिया था सर लेकिन रिजल्ट आया नहीं है यूपी में। अच्छा तूने यूपी से दिया है? यार यूपी का मेरे को पता नहीं, बट एनटीएससी तो हुआ ही था, मतलब दिया है ना तूने? तो दिया सर। हाँ तो एनटीएससी तो हुआ था, मैंने ही प्रिपरेशन में 10th का बैच लेता हूं मैं एनटीएससी का। हाँ सर एनटीएससी तो हुआ, रिजल्ट आया है नहीं है यूपी का? हाँ रिजल्ट का नहीं पता यार मेरे को इस बारे में, रिजल्ट तो इस बार यार सीन थोड़े ऐसे ही रहे हैं, पेंडेमिक ऐसी चल रही है कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा सर, क्योंकि सर मैं कंफ्यूज हो गया था सर, बाकी स्टेट्स में आया है कुछ? मेरा बैच जो था वो हरियाणा वाला था, तो मैं पता करता हूँ बच्चों से कि अभी तक कुछ आया है कि नहीं आया, क्या रहा है। ओके सर।
सुहानी तूने लिखी है कुछ चीजें? सर वन सेकेंड, अभी ये वाला बस हो। हाँ हाँ, मैं ऊपर वाला रब कर सकता हूँ, बस ऊपर वाला पोर्शन मॉड जेड वाला, नहीं तो कर ले, लिख ले, मेरे को बता दे, अगर नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं सर, कर लीजिए, मैंने फिनिश कर लिया। वैसे मेरे को अभी और टाइम लगेगा, मेरे पास है अभी जगह। तो लिख सर ये फोर्थ थर्ड वाली में सर क्या है? ये पी थर्ड वाली में ये है कि अगर हम सारे जो भी हमारे पास nth roots of unity आ रहे हैं, जैसे 1 omega omega square आए थे अभी थोड़ी देर पहले, और हम उन सारे roots की power same ले रहे हैं, suppose सारे roots की power 2, या सारे roots की power 4, या सारे roots की power 3, या सारे roots की power 5, इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके दो ही आंसर पॉसिबल होंगे, राइट? यही प्रॉपर्टी अभी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी लिख के आए हैं, सेम प्रॉपर्टी। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि देखो इसका आंसर या तो जीरो होगा या तो पी होगा। जीरो होगा तब जब पी हमारा एन का मल्टीपल नहीं होगा, यानी कि जो भी एनथ रूट ऑफ यूनिटी हम निकाल रहे हैं, सपोज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं और मैं इनकी पावर फोर या फोर का कोई भी मल्टीपल नहीं ले रहा हूं, तो आंसर आएगा जीरो। बट अगर मैं इनका आंसर फोर या फोर का कोई भी मल्टीपल ले रहा हूं, तो आंसर आएगा पी, यानी कि फोर उस केस में। सर तो इसमें मतलब जैसे हमारा वो ओमेगा क्यूब वन आ रहा था, ऐसी टू द पावर फोर वन ही होगा हर में। हां सॉरी, पी नहीं यार, ये आयन होगा। हां मैं कह रहा पी कैसे लिख दिया। हां क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल। यस सर, मैं कह रहा था कि इसमें सर हमारा जो वो होगा, जैसे सर हमारा ओमेगा क्यूब वन होता था, ऐसे ही वो ऐसे ही अल्फा की पावर एन वन होगा। यस सर, वही पूछ। ठीक है सर, अल्फा की पावर एन वन होगा, तभी तो देख एन की के की वैल्यू एन पुट करती फिर से रूट्स रिपीट करने लगती थी। यस सर, और सेकंड वाली प्रॉपर्टी में सर वो जैसे हम आई की पावर फोर तक ऐड करते थे जीरो होता, वही ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर यहां से भी देख सकता है कि एक्स की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होता है। भाई एनथ रूट ऑफ इक्वेशन, एनथ रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन तो यही है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बोल। Yes. तो अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स निकालूंगा तो x की पावर n माइनस वन तो जीरो ही है, मतलब उसका कोफिशिएंट तो जीरो ही है, तो हर बार सम ऑफ रूट्स तो जीरो ही आएगा। बोला, यही तो होगा। देख x की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालता हूं तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स माइनस वन, और सम ऑफ रूट्स निकालूंगा तो 0/1 बनेगा, हर बार जीरो याद करें। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा तो वो माइनस वन भी हो सकता है और प्लस वन भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है एन की क्या पावर दी हुई है। अगर एन की पावर थ्री दी होती तो आंसर आता वन, जैसे एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तीनों का प्रोडक्ट वन आता है, पर अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर माइनस वन आएगा। और ये भी प्रॉपर्टी सिर्फ उस पे ही बेस्ड है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले चीज पे। सर किस पे बेस्ड है सर, ये समझ नहीं आया। प्रोडक्ट कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल पे। अच्छा हाँ ठीक है सर, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, क्योंकि वहां तो अल्टरनेटिव साइन चलते जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस। अब वो पावर, वो एंड में माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, ये चीज तो इस पर डिपेंड करती है कि हमारी जो इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है। जैसे थ्री होती है तो माइनस डी अपॉन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और फोर होती है तो वो हो जाता था प्लस के ई अपॉन ए। तो वही हम कह रहे हैं, अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि डी ई ई एफ जो भी तुम्हें लेना है वो वन ही होगा, हमेशा माइनस वन ही होगा, सॉरी, बट वो माइनस वन से पहले माइनस लगेगा या प्लस लगेगा ये तो यार डिग्री से ही बता पाएंगे बस। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी माइनस वन की पावर n माइनस वन होगा, ऐसे समझ सकते हैं। अगर डिग्री थ्री है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, डिग्री फोर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो चारों का प्रोडक्ट माइनस वन बनेगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देख, बड़े काम की प्रॉपर्टी है भैया, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज लाइ ऑन द यूनिट सर्कल।
एक सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब जिस सर्कल की लेंथ वन यूनिट होगी उस पे लाई करते हैं सारे के सारे nth रूट ऑफ यूनिटी। क्यों? क्योंकि मॉड जेड की वैल्यू वन होती है, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव करी, और मॉड जेड इज इक्वल टू वन। अगर आप जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई लेंगे तो ये एक सर्कुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। आप जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई लीजिए, मॉड जेड क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सर बोलो सर आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा यार मेरे भी नेटवर्क में प्रॉब्लम तो आई रही है हल्की फुल्की बीच बीच में, तो इसलिए वो कट जाती है आवाज, बट बता दिया करो मेरे को। वैसे मेरे को आइडिया लग जाता है पर मेरे को थोड़ा सा लेट पता चला अभी। अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि x square plus y, am I audible now? पहले तो yes, sir, yes. ठीक है, तो x square plus y square equals to one, एक सर्कल की इक्वेशन है राइट, और ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर है 0,0 और जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। कैसे बनाते हैं हम इस सर्कल को, मैं आपको ये बता देता हूँ। शायद आप लोगों को अभी सर्कल की इक्वेशन बनानी नहीं आती है और आनी आनी भी नहीं चाहिए, मतलब अभी तो विशेष तेरे को आनी चाहिए, वैसे टेंथ क्लास में तो पढ़ा देते हैं हम सर्कल की इक्वेशन। नहीं सर, मतलब एनटीएससी वाले बच्चों को। सर मैंने खुद ही की थी प्रिपरेशन, तो मैंने इतनी हार्डकोर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये हटा देते हैं जरा। तो ये देखो जैसे कि हमारा ये कोई सेंटर है इस सर्कल का ए कोमा बी, और कोई भी पॉइंट अगर मैं इस सर्कल पे लेता हूं तो उसे मैं एक्स कोमा वाई लिख सकता हूं, और सपोज इस सर्कल की रेडियस है आर, तो एक्स कोमा वाई कहीं भी हो सकता है इस पूरे सर्कल पे। यस, और कहीं भी होगा तो ए कोमा बी से उसका डिस्टेंस आर ही होगा। सर्कल में जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो एक इस तरीके से बनाते हैं। हाँ हाँ बोल, क्या बोल रहे थे तू पहले, तू देखा सर? मैं कह रहा था मॉड्यूलस सेम रहेगा। मॉड्यूलस सेम रहेगा बिल्कुल, वही मॉड जेड इज इक्वल टू वन करा है यहाँ पे। ओरिजिन से जेड का डिस्टेंस वन यूनिट है, ओरिजिन से जेड का डिस्टेंस वन यूनिट है, यानी कि जो ये जेड घूम रहा होगा वो एक सर्कल में घूम रहा होगा जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा फिक्स है। सर लेकिन जरूरी नहीं है ना ये मॉड जेड वन ही हो, कुछ भी हो सकता है। nth root of unity के केस में तो वन ही होगा, यही तो अभी अभी प्रूव करके आए थे। हाँ वैसे कुछ भी हो सकता है, mod z is equal to 4 वो एक अलग सर्कल होगा, mod z is equal to 3 वो एक अलग सर्कल होगा, बट ये चीजें तब पढ़ेंगे हम जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होंगे, क्योंकि तब तक आप ये इक्वेशन ऑफ सारी चीजें सीख चुके होंगे। तो ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर से पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ सकते हैं। इस बार जो हमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पढ़नी होगी उसमें हम कुछ कुछ जगह कॉम्प्लेक्स नंबर की चीजें भी बताएंगे आपको, जैसे कि mod z is equal to जेड नॉट या mod z is equals to a एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखो x, y तो एक मूविंग पॉइंट है जो इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, इसीलिए इसे x, y बोला गया है, और ये कोई फिक्स पॉइंट होता है हमेशा सेंटर, तो सेंटर को a, b बोला गया है। आपको सेंटर पता होगा, आपको रेडियस पता होगी, और आप निकालना चाहते हैं कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का कॉन्सेप्ट है कि भैया हर पॉइंट ऑन सर्कल will be equidistant from a comma b, यानी के सेंटर। कोई भी पॉइंट सर्कल पे जो लाई कर रहा होगा वो हमेशा सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस। तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो ये बनेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मैंने x कॉमा वाई से a कॉमा बी का डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस निकालने के लिए हाँ मेरे को रूट लगाना चाहिए था, आंसर आर के इक्वल आता, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो अगर ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी गई है तो यहाँ पे सेंटर होगा हमारा ए कोमा बी, जैसे कि हमने ऊपर देखा ही है अभी, और रेडियस होगी आर। आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन से कंपेयर कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर. देख सकते हो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, यानी कि सेंटर बना जीरो कॉमा जीरो और रेडियस बनी वन यूनिट. तो कहना हम ये चाहते हैं कि आपके जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे, दोबारा सुन लो, वो सब के सब इस सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, जो कि सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही आएगा. और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, भैया ये तो हो गई कि सब जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे इस यूनिट सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, बट वो इसकी सर्कमफ्रेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे. ये इंपॉर्टेंट बात है, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे. इनका जो एंगल है वो 2 पाई अपॉन n है यार, अल्फा जो था वहां पे 2 पाई अपॉन n था. तो अगर अल्फा 2 पाई अपॉन n था तो हम 360 को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट. अल्फा की वैल्यू जो भी आएगी वो तो छोड़ दो, बट जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे ना, ये सब के सब इस पर तो लाई करेंगे, साथ साथ इसको परफेक्टली डिवाइड करके जाएंगे. मतलब अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं तो वो इसकी सर्कमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी. कैसे? एक 0 पे कट करा, एक 120 पे कट करा और एक 240 पे कट करा, कहीं यहां पे. तो इस सर्कमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. वैसे अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की मैं बात करूं तो देखो ये है 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, एक तो यही जिस पे कट लगा हुआ है, एक ये और एक ये, 4 बराबर हिस्सों में सर्कमफ्रेंस को कट कर दिया. ये इंपॉर्टेंट बात. सर ये वाला पार्ट फिर से समझा दो, एंगल वाला. बिल्कुल, एंगल वाली बात कि हमें जो अल्फा की अल्फा के अंदर एंगल दिया गया है वो 2 पाई अपॉन n है. तो वो 2 पाई अपॉन n जो एंगल दिया हुआ है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 2 पाई को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जब मैं यहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए लगा रहूंगा तो ये 2 पाई अपॉन 3 बनेगा. तो पहला एंगल का कट लगेगा 2 पाई अपॉन 3 पे, दूसरा एंगल का कट लगेगा 4 पाई अपॉन 3 पे. या फिर ऐसे समझो इस बात को कि एंगल, अगर हमें एंगल की बात तो चलो छोड़ दोगे, एंगल को अभी थोड़ी देर में देखते हैं, बट nth रूट्स ऑफ यूनिटी इस यूनिट सर्कल को, यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस को इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे. अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहा हूं तो पूरी की पूरी जो सर्कमफ्रेंस होगी उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. अगर मैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहा हूं तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. अब एक वैल्यू तो हमेशा 1 से स्टार्ट होनी है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी थी तो क्वार्टर लेंथ कर दूंगा मैं इसको. ये क्वार्टर लेंथ, ये क्वार्टर लेंथ, ये क्वार्टर लेंथ, ये क्वार्टर लेंथ. तो 4 जो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आते हैं वो 1, देख सकते हो ये 1 है, ये आई है, ये माइनस 1 है, ये माइनस आई है. सिमिलरली अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात मैं करूं तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आते हैं. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के एंगल्स जो बनेंगे 0, 2 पाई बाय 3 बोले तो 120 और 4 पाई बाय 3 बोले तो 240. तो हमारे क्यूब nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल ऑलवेज डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस यूनिट सर्कल इनटू n इक्वल पार्ट्स. आप डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं. अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. ये आपको याद रखना है हमेशा. क्या ये बात समझ आई? यस सर. इसके आगे कंटिन्यू कर लेना एंड डिवाइड इट्स. दो फिगर में आप अलग अलग बनाकर दिखाना. पहली बारी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरी वाली में फिर से 1, दिस इज आई, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज माइनस आई. वहां पे आप दिखा सकते हैं कि इनके एंगल्स को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ा गया है. एक ही रोटेशन के तो आंसर निकाल रहे हैं यार, ऐसे समझ लो. या फिर एक ही रोटेशन के आंसर निकाल रहे हैं, दोबारा रोटेशन में फिर से रिपीट करना है तो बराबर बराबर हिस्सों में काटता जा रहा है वो उसको. And divide its circumference into n equal parts. अब एक टॉपिक हमारा आखिरी जो इससे बचता है वो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन बचता है.
बट कंसेप्ट ऑफ रोटेशन हम तभी पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, तभी तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगी बात, क्योंकि उसके लिए मेरे को कुछ और चीजें भी फिर तुम्हें समझानी पड़ेगी। बट कंसेप्ट ऑफ रोटेशन जेई मेंस का टॉपिक नहीं है, जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आज तक जेई मेंस में बस उससे पूछा गया है, वो भी बहुत पुराना क्वेश्चन था, अदरवाइज सिर्फ जेई एडवांस में उससे क्वेश्चन आए हैं, मेरे भी क्वेश्चन आए हैं, और वो हम कब पढ़ेंगे। तो अभी हमारे दो क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है लगभग लगभग, और वो दो क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर तब कंप्लीट होगा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, अदरवाइज हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो चुका है, जितनी भी चीजें एलजेब्रिकल पार्ट में आती है। जी न्यू चैप्टर, हां नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो चैप्टर लिख रहा हूं मैं। हां हां लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, काफी कंफ्यूज तो नहीं हो कहीं पे कि क्या चीज कहां लिखनी थी? क्या सारे ऑर्डर याद है तुम्हें? सर याद है, मैं और सही से इसको डिवाइड कर लूं। और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने अलग से बताया था तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हें अच्छे से ये चीज भी समझ आ जाए, क्लियर हो जाए। ये पहली तीन प्रॉपर्टीज, फिर फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टीज, फिफ्थ प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी थी, और फिफ्थ प्रॉपर्टी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको साइड में इक्वेशन ऑफ सर्कल भी समझाया, और दो यही काम हमें जाके समझना है फिर से 11th चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर है यार कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैसे। सर ये एनसीईआरटी में लास्ट में है ना? क्या चीज? नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है स्टेप से फिफ्थ चैप्टर 5 होगा। फिफ्थ चैप्टर सर ये तो आपने पढ़ाया सर, वैसे तो ये बहुत छोटा चैप्टर है अगर हम वैसे लें सीरियस। एनसीईआरटी सीबीएसई ये तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको, बट जब हम जेई के लिए पढ़ेंगे एक्चुअली तो कॉन्सेप्ट हमें तब सीखने को मिलेंगे, और तभी हमें पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े चैप्टर्स और कितने टफ टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्लास का भी, पता है अभी तुम्हें, अभी इसमें भी क्वेश्चन हम थोड़े और बेटर ऐसे ही करते जाएंगे, बट क्या होता है ना कि जब तुम लोग 10th से 11th में आते हो तो ये कन्वर्जन तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एज इन मैथ्स में तो होता ही है स्पेसिफिकली, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आती है भैया। मैथ्स जो है ना 10th क्लास तक आपको पढ़ाया जाता है एकदम फॉर्मूले वाला मैथ्स, और पढ़ाया भी इसी तरीके से जाता है कि आप जो है मतलब कि फॉर्मूले के साथ आप अच्छे हो जाते हो, क्या फॉर्मूला वॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम सही है, बट अगर नॉलेज वाइज देखो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। मतलब आई क्यू लेवल जो बढ़ता है हमारा, वो आई क्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो पूरा मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो फिजिक्स और मैथ्स का ही होता है। मैं और सब्जेक्ट की बात मना नहीं कर रहा, बट आई क्यू आसिन का जो शार्प आई क्यू होता है वो मैथ्स और आई क्यू मैथ्स और फिजिक्स से ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन दिखाए जाते हैं, और बहुत एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से करना या फिर 5 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगाना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, और दोनों चीजें आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएंगी। सर हम ज्यादा सर सोचते ज्यादा हैं, पहले सर एप्लीकेशन ज्यादा था बस। नहीं पहले एप्लीकेशन कम था, पहले जो है बस एक फॉर्मूले को हमने एक ही बार लगाना सीखा, और अगर हमें किसी ने सिखाया भी 2-3 बार तो वो भी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई गई उस चीज की। इस बार एप्लीकेशन है, इस बार प्रॉपर एप्लीकेशन है। अब देख जैसे कि हमने लास्ट ईयर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सीखा था, और अब हम देख उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी में भी मैंने अभी वही चीज अप्लाई करी, सम ऑफ एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी में भी हमने वही चीज अप्लाई करी। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट तो इस बार ज्यादा है, एक्चुअली मैथ्स का पार्ट ही एप्लीकेशन वाला है, और वही चीज हमें इस बार सीखनी है। तो धीरे धीरे आईक्यू पे जो काम करना है वो मेरे को ही करना है। मैं समझता रहता हूँ तुम लोगों को भी कि तुम कितने लेवल पे अभी काम कर रहे हो, कहाँ पे सीख रहे हो। मुझे ये भी बताया कि भी तुम्हें इसमें से बहुत सारी चीजें नहीं हुई होंगी उतनी क्लियर, मतलब बहुत सारी तो नहीं, पता नहीं कितनी, बट कुछ चीजें नहीं हुई होंगी आपको क्लियर, वो उस लेवल से समझ नहीं आएंगी। पर जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते, मतलब जैसे जैसे आप आगे वाले चैप्टर्स को भी पढ़ते जाओगे ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको काफी चीजें समझ आने लगेंगी। फिर आपको मैं ये बात दोबारा कभी हम 5th
फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं और अप्लाई होगा। देखो एक तो ये बात समझ लो कि हर चैप्टर कहीं और कहीं ना कहीं और अप्लाई होगा। अभी आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े हैं, आई कैन गारंटी यू कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का नाम आप कम से कम कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद भी 5 बार और सुनोगे। ये तो 5 बार तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। आप इसको दोबारा सुनोगे, आप इसकी वैल्यूज, आप इसकी प्रॉपर्टीज को दोबारा यूज करोगे। बट ये एप्लीकेशन वाले पार्ट जो है ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे और धीरे धीरे आपका आईक्यू भी बेहतर होता जाएगा, आप क्वेश्चंस भी बेहतर करते जाओगे, आपको बहुत सारे फॉर्मूले भी पता चल जाएंगे, बहुत सारे नए नए एक्सप्रेशन भी पता चल जाएंगे, तो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा और साथ साथ प्रॉपर्टीज याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। ऋषि देखता जा, बस हम स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेंगे। अभी तो बहुत आ रही है, अभी तो बहुत आएगी, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बहुत ज्यादा सीबीएसई वाला तक हो गया है सर, मतलब वो तो हो जा रहा है आराम से, इसमें खत्म हो जाएंगे, वो तो 3-3 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी बट, और मैथ्स में आएंगी और अभी फिजिक्स में भी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही हम फिजिक्स में पहुंचेंगे मैकेनिक्स वाले पोर्शन पे, सेम मैकेनिक्स का पोर्शन, जैसे ही प्रॉपर मैकेनिक्स स्टार्ट होगा वैसे ही आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें आसान है अगर आप इन पे, जैसे कि मैंने बताया 200-200 क्वेश्चंस आप लगाओ हर चैप्टर पे, सब चीजें आसान है, बहुत आसान है। और आप इस पे 50-40 क्वेश्चन लगाओ और आगे बढ़ जाओ, आपको याद भी नहीं रहेगा, अगले चैप्टर में याद नहीं रहेंगी इसकी चीजें, मैं अभी बता देता हूँ। आप ऐसे देख सकते हैं कि अभी याद नहीं रहती है सर। सर मैंने वो वाली आपने जो बुक बताई थी वो मैंने ली है सर, वो कल आ जाएगी। भाई सर जो आपने ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 बताई थी, अच्छा ठीक है सर, तो यार वो ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 मैंने अमित अहमद अग्रवाल की बताई थी, उन्हीं की मंगानी है। हाँ सर उन्हीं की मंगाई है मैंने। ठीक है क्योंकि वो गड़बड़ कर देते हैं यार, अरियंत वाले ना एसके गोयल भेज देते हैं, एसके गोयल नहीं बस मंगानी है, अमित अहमद अग्रवाल की। हाँ सर वो मंगाई है मैंने। तो सर मतलब जैसे मैंने एनसीईआरटी खत्म कर दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मैं वो करूँ पहले आरडी? हाँ पहले आरडी कर उसके बाद वो करियो। और ये जितनी चीजें लिखवाई गई है ना एग्जैक्टली नोट्स उसी के हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ, मतलब वहीं से ही आ रहा है वही बुक, वहीं से ही आपको मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें आपको वहीं से ही बताई गई हैं, सब तेरे को वहां पे मिलेंगी। मतलब मेरा पैटर्न भी पढ़ाने का काइंड ऑफ वही है जो उनका पैटर्न है पढ़ाने का, तो तेरे को काफी हेल्प भी मिलेगी इससे, क्लासेस मिलेगी। अगर कोई और भी लेना चाहता है बिल्कुल मंगा सकते हो आप, 2 बुक्स मैंने रिकमेंड करी थी, अगर आपको ना याद हो तो मैं लिख लिया क्या सभी लोगों ने पहले ये बताओ मेरे को, एक मिनट कोई बचा है? और पहले लिख ले फिर तो मेरे से बातें कर करिए, मैं क्वेश्चन तो लिख लूं, एक क्वेश्चन तो हमें भी करना ही है, बस फिगर ही बना रहा था मैं। कर ले यस सर हो गया, सभी लोगों को हो चुका है, जिसका भी नहीं हुआ है वो बता दो पहले तुम। हाँ आप बोल ले तो मेरे को, तुझे जो भी बात करनी है पत्ते भी पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था, मैं क्या बता रहा था तुमसे कि मैंने 2 बुक्स रिकमेंड करी थी, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, माय फेवरेट इज अरिहंत पब्लिकेशन, मतलब आर्यन पब्लिकेशन फेवरेट नहीं है, ये बुक फेवरेट है। ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 इज फॉर 11th एंड ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 2 इज फॉर 12th। आप पूरी तो सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे बट अगर आप पूरी सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 11th क्लास के लिए, ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 12th के लिए यही बुक हो जाएगी ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 2। ऑथर है अमित एम अग्रवाल। अगर आप जेई मेन्स और जेई एडवांस तक पूरा कवर करना चाहते हैं, एडवांस ओलंपियाड सब, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जितने क्वेश्चंस इसमें से लगा लेंगे उतना ही बेहतर है। और ऑल्दो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इसमें से 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो काफी है। सर और जो KVPY है सेम सिलेबस है उसका भी? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, मतलब इनफैक्ट उसमें चैप्टर और कमी है बट उसके लिए भी ये बुक पूरा कवर करा देगी तेरे को। एंड सेकेंड बुक इज सिंगेज पब्लिकेशन, ये भी बहुत बेहतर बुक है, बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस द ओनली प्रॉब्लम इज कि यार इसकी बुक्स में हमें 4-5 पार्ट मंगाने पड़ते हैं क्योंकि ये आपको ऐसे नहीं मिलती है। ऑथर है यहाँ पे जी तिवानी जिनकी आपको बुक मंगानी है,
तो दोनों ही जे एडवांस के टीचर ही हैं, मतलब अमित अग्रवाल सर तो मैं इन्हीं से ही पढ़ा हूँ, ये तो मेरे टीचर हैं और जी तिवानी भी पढ़ाते हैं, दोनों ही टीचर्स हैं। और इनकी बुक्स का बस आपको पार्ट इस तरीके से मिलेगा कि आपको ये यूनिट वाइज मिलती है, तो आपको अगर ये मंगानी है तो आपको 5-6 पार्ट मंगाने पड़ेंगे। ऑल द बुक ये भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 को फॉलो करता हूँ, आप मतलब सारी चीज़ों से होती हैं सब चीज़ें, बट क्वेश्चंस के तरीके के मैं क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो फॉलो करता हूँ ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1, वैसे तो सारी बुक्स में क्वेश्चंस भी सेम ही होते हैं, पर इन बुक्स में थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे, और बुक्स से कम नहीं मिलेंगे किसी भी बुक से। वैसे ही ऑथर जी तिवानी की बुक्स आपको यूनिट वाइज मिलेंगी, एलजेब्रा की अलग मिलेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग मिलेगी। अगर आप यूनिट वाइज बुक्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की कौन कौन सी बुक सबसे अच्छी है वो भी बता सकता हूँ। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री एस एल लोनी खरीदिए, वो बहुत बेहतर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एस के गोयल खरीद सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। एलजेब्रा के लिए जी तिवानी है, वो बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये यूनिट वाइज होती है, यूनिट्स हमारी प्रॉपरली बटी हुई है 11th और 12th की, तो इनके लिए फिर अलग अलग मंगा सकते हैं आप। तो शिंगेज पब्लिकेशन के ऑथर जी तिवानी, आप इनकी कोई भी बुक मंगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे तो आपको पूरी की पूरी 11th एक ही बुक में कवर हो जाएगी। बेस्ट चीज तो इसकी ये है और प्रॉपरली सारे नोट्स और सब चीजें इसमें होंगी। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा इस चैप्टर का भी, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। तो सपोज चलो पहले एक चीज ऐसी पूछ लेता हूँ, Z1 Z2 अप टू Zn, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। और ये पूछा गया है देन फॉर k इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू n, k की वैल्यू 1 से 2 से 3 से लेके अप टू n तक कुछ भी हो सकती है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि मॉड ऑफ जेड के इज इक्वल्स टू k टाइम्स मॉड ऑफ जेड के प्लस 1, पहली चीज। बी पार्ट, मॉड ऑफ जेड के प्लस 1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स मॉड ऑफ जेड के, कोई भी k वैल्यू अटेन कर सकता है 1 से लेके n तक। एंड देन सी पार्ट इज मॉड ऑफ जेड के प्लस 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड के प्लस मॉड ऑफ जेड के माइनस 1, एंड डी पार्ट इज मॉड ऑफ जेड के इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड के प्लस 1। इसका आंसर आप मेरे को दे सकते हैं, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप सोच लीजिए और बताइए मेरे को। सर के n से ज्यादा n से कम है, k की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी बताए गए हैं आपको। n रूट्स हैं, पहला रूट z1 है, हो सकता है z1 की वैल्यू 1 हो, तो कुछ भी हो सकती है, पर ये n रूट्स है, nth रूट ऑफ यूनिटी के ये n रूट्स है। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन यूनिटी, एंड जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट 1 मिनट, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग इक्वेशन जेड टू द पावर एन इज इक्वल्स टू जेड की पावर एन प्लस 1, देन ए इज रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0। अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दीजिए, nth roots of unity है, सबका मॉड सेम ही तो होता है, अभी तो पढ़ के आए थे 1 का मॉड, ओमेगा का मॉड, ओमेगा स्क्वायर का मॉड, सबका मॉड सेम था। तो ये कह रहा है कि अगर ये nth roots of unity है तो इनके मॉड्यूलस के बीच में क्या हमारे पास सर रिलेशन होगा, बी या डी? सर डी, डी डी बिल्कुल डी, कि कोई भी रूट हो, ठीक है, तो उसका आंसर यही होगा। चलिए नोट कर लिए, नोट करके और फिर उसके बाद बाय बाय टाटा, नेक्स्ट क्लास भी है।
तो बाद में नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।